दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आप अंडकोश की नसों को कैसे ठीक करें। इस बारे में अगर आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अंडकोश की नसों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं आज नसों के, अंडकोश की नसों के बारे में। अंडकोश की नसें अगर आपके किसी भी कारण से अंडकोश की नसें फूल गई हैं या उनमें पिलपिलापन महसूस होता है या नीली नीली नसें महसूस हो रही है, तो इस तरह की अगर कोई समस्या है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। इसके बहुत से कारण होते हैं। आपके नसों के वाल्व खराब होने से इनमें नसों में खून रुक जाता है, जिसकी वजह से नसें फूल जाती हैं और इनमें खून जमा हो जाता है और आपको नीली नीली नसें नज़र आने लग जाती हैं। इसके अलावा चोट लगने से, झटका लगने से, साइकिल चलाने से, बाइक चलाने से या जिम करने से, कई लोग बिना लंगोट या स्पोर्टर के जिम करते हैं या एकदम वजन उठा लेते हैं तो झटका लगने से इस तरह ये नसें फूल जाती हैं। धीरे धीरे नसों का आकार बढ़ता है और ये वेरिकोसिल का रूप धारण कर लेता है। वेरिकोसिल 6 तरह की होती है। ये माइल्ड से शुरू होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड और फिफ्थ ग्रेड तक ये पहुँच जाती है। जैसे जैसे आपका वेरिकोसिल बढ़ेगा आपके शरीर में शुक्राणु की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि नसों के ब्लॉकेज होने से शुक्राणु बाहर आना कम हो जाते हैं और धीरे धीरे कई बार ये बाहर आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अगर ये कम होते हैं तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अगर ये बिल्कुल आना बंद हो जाते हैं तो इसको एजियोस्पर्मिया कहते हैं। इस तरह की समस्या इस वजह से हो जाती है। कई बार आपको प्रीमैच्योर इजेकुलेशन या शिगर पतन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिंग में तनाव आने की समस्या भी हो जाती है। इस तरह धीरे धीरे ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं। अगर आपको अंडकोश में किसी भी तरह की नीली नीली नसें या नज़र आती हैं या दर्द होता है या अंडकोश छोटा बड़ा हो गया है या अंडकोश लटक गया है, इस तरह की कोई भी समस्या है, तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाएँ और अपना स्कोल्टम अल्ट्रासाउंड कराएं। स्कोल्टम अल्ट्रासाउंड कराने के बाद आप अपनी रिपोर्ट हमारे नीचे दिए गए नंबर पर शेयर करें। उस रिपोर्ट्स को देखने के बाद हम आपको बता पाएंगे आपको वेरिकोसिल है या नहीं है या कोई अन्य प्रॉब्लम है। आपको हाइड्रोसिल भी हो सकता है, एपिडाइमल सिस्ट भी हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है। ये सब रिपोर्ट देखने के बाद हम आपको उचित परामर्श दे पाएंगे। हमने हमारे 40 साल के अथक प्रयास और दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इसका हल ढूंढ लिया है और इन सब चीज़ों का निदान संभव है। सबसे पहले आपकी रिपोर्ट देखकर हम आपको बता पाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। अगर आपको, आपके किसी रिश्तेदार को या किसी पारिवारिक दोस्त को इस तरह की कोई समस्या है या वो इस वजह से शुक्राणु की कोई समस्या है या काफ़ी प्रयासों के बाद वो संतान पैदा करने में असमर्थ है, तो आप हमारा ये वीडियो उनको शेयर करें और उन्हें ये सलाह दें कि वो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके निःशुल्क परामर्श लें और उसके बाद उनका जो भी इलाज होगा, जो भी निदान होगा, जो भी परामर्श होगा वो आपको दिया जाएगा और जो भी संभव होगा उनकी सहायता की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।